नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी उस सियासी बोली की जिस पर चल गई गोली। सियासी बोली और गोली, मतलब सीधे तौर पर एआईएम के मुखिया, एआईएम के चीफ ओवैसी साहब से जुड़ा है। ओवैसी पर हुए हमले को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब पता चला है कि वो दोनों, और आरोपी जो थे वो इसलिए गिरफ्तार हुए, उनका कहना यह है कि भाई ओवैसी साहब जो है उनके भाषणों से वो बेहद आहत थे, नाराज थे, इसलिए गोली चला दी। अब एआईएम के अध्यक्ष हमले को लेकर संसद में जो बयान देते हैं उससे एक बार फिर से सियासत गर्म हो जाती है। वो सीधे तौर पर सरकार को नफरत के माहौल को खत्म करने की नसीहत देते हैं कि नफरत का माहौल खत्म कर दीजिए, साथ ही सिक्योरिटी लेने से भी इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। अब दिलचस्प बात यह है कि सोमवार को गृहमंत्री संसद में ओवैसी पर हमले को लेकर बयान देंगे, और इसका असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर पड़ना भी तय माना जा रहा है। अब सियासत के लिहाज से ओवैसी की एंट्री को सीधे तौर पर निशाने पर लिया जा रहा है। ओवैसी क्या बीजेपी के लिए मुफीद हैं? क्योंकि सपा के नेता इसमें साजिश की बू उन्हें महसूस हो रही है। वो ये कह रहे हैं के नेताओं को शक है कि आखिरकार जिस हथियार से गोली चलाई गई वो गोलियां नीचे के चलाई गई। अब सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश भी हो रही है। ओवैसी सीधे तौर पर इसे सियासी साजिश करार दे रहे हैं और नफरत से इसे जोड़ रहे हैं। अब सवाल कई खड़े हो रहे कि भाषण के बाद नफरत की गोली पर सियासत क्यों हो रही है? जमकर आज विरोध प्रदर्शन हुए तमाम जगहों पर, पूरे हमले पर बवाल हो गया है और ओवैसी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इसी को लेकर आज सियासी चर्चा भी हम करेंगे और आज तमाम सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन पहले जरा आपको बयान सुनाते हैं और फिर उसके बाद सियासी चर्चा में शामिल अपने मेहमानों से आपका तारुफ भी करवाएंगे, लेकिन पहले जरा यह बयान सुनिए। मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई उसको देखिए। मैं रेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर, आप मैं आप सिक्योरिटी दे रहे सर, आपको नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान अखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर, ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। तो ओवैसी सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार के ऊपर, और सीधे तौर पर अब हिंदू सेना के नेता कह रहे हैं कि जिन्होंने गोली चलाई उनका मुकदमा वो लड़ेंगे। ये कौन सी सियासत हो रही है और इस सियासत से किसका भला, यह अपने आप में एक अहम सवाल है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी सीधे तौर पर सवाल बीजेपी
और ओएसी दोनों पर लगाए हैं, यह कहते हुए कि आखिरकार स्क्रिप्ट बीजेपी ने ली और डायलॉग डिलीवरी ओएसी अच्छी कर रहे हैं। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा दें। हमारे साथ मनोज यादव इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, समाजवादी पार्टी के युवा चेहरे हैं। साथ ही साथ वकार जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, एआईएम के नेता हैं। साथ ही विनोद सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, देवेंद्र प्रमुख साहब। कुछ ही मिनटों में वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। लेकिन मनोज यादव, मैं आपसे इस कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आपको क्या लग रहा है, वाकई में स्क्रिप्ट लिखी गई है? लिखी है तो किसने लिखी है और क्यों लिखी है? देखिए, ये सब वही कराएगा तिलक जी जो जिसको चुनाव में कोई माइलेज नहीं मिल रहा है, जिनके विधायक, जिनके सांसद, जिनके मंत्री किसानों के बीच में जब जा रहे हैं तो उनको उनका मुंह काला किया जा रहा है, उनको गांव से खदेड़ा जा रहा है, बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि कृपया बीजेपी वाले लोग हमारे घर में या हमारे गांव में प्रवेश ना करें। ये उन्हीं के लिए जरूरत है, और तो मुद्दों पे राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश में जितने भी विपक्ष के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे, वो मुद्दों पे बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास प्रमुख मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, उत्तर प्रदेश में महंगाई की मार है, युवाओं पे लाठी है, किसानों पे थार है। इस तरह जितने भी मतलब एक हद पार की जा सकती है अत्याचार की, वो अत्याचार उत्तर प्रदेश में मौजूदा डबल इंजन की सरकार कर रही है। तो आपको वैसी मोहरे दिखाई दे रहे बीजेपी के? वो तो ये बात अगर आपको मैं आप मुझसे पूछो या मैं जवाब दूं तो ये बात मेरे ख्याल से झूठी है, सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी, ये सबको पता है। ये बीजेपी, अच्छा बताइए आप, बीजेपी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने स्वागत किया ओएसी का उत्तर प्रदेश में? किसी और पार्टी ने नहीं स्वागत किया। आप साक्षी महाराज का बयान ले लीजिए, क्या उनको उन्होंने बोला ओएसी को लेके और बीजेपी के क्या फायदा होगा, उस पर बयान आप ले लीजिए, या बीजेपी के जितने भी लीडरान है उनको क्या फायदा होगा, ये सभी को पता। फिर भी आपको दुख नहीं है एक हमला हुआ? नहीं, दुख नहीं, पूरी संवेदनाएं हैं हमें, और इस बात की संवेदनाएं हैं कि आखिर इस तरह का स्टंट करने की क्या जरूरत आई। और उत्तर प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर का राज बीजेपी कहती है, मैं तो नहीं कहता, चूंकि उत्तर प्रदेश में कभी किसी जुल्म, इतना जुल्म कभी नहीं हुआ, मैं ये नहीं कहता जीरो टॉलरेंस अपराध रहा होगा किसी भी सरकार में, लेकिन इतना जुल्म कि लोग कैबिनेट मंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके बच्चे गाड़ी किसानों पे चढ़ा दे, पत्रकारों से लेके किसानों तक मार दे, महिला को रेप करके उसको पेट्रोल डाल के पुलिस और प्रशासन के सामने जला दिया जाए, ये सारी चीजें जो है ये मुझे नहीं लगता तिलक जी उत्तर प्रदेश में इससे पहले कभी हुई। बीजेपी का विधायक एक महिला के साथ रेप करके, एक मिनट मेरी बात पूरी होने, मेरी बात पूरी हो जाए, मैं पूरी पूरी बात कर लूं। मैं कहता हूं अगर एक विधायक एक लड़की के साथ रेप करके उसके परिवार को नष्ट कर दे, एक केंद्रीय राज्य मंत्री पूर्व ग्रह का मसाज बाज हो जाए, वो मसाज करते हुए वीडियोज उसके आए, इस तरह से लेके जितने भी विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, जो अपराध किया, जो कृत्य किया, ये उत्तर प्रदेश में नहीं था। वैसी जी के लिए सिर्फ एक ही बात कहनी है कि ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में अगर जो विधायकी का नामांकन करता है उसको भी दो गनर मिलते हैं, तो आखिर पुलिस प्रशासन की चूक क्यों हुई, क्यों प्रशासन इतने बड़े, वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा, ये भी बात सोचनीय विंदनीय है। और अगर उसमें चूक है तिलक जी, तो निश्चित तौर पर यह पार्ट ऑफ एक साजिश है, साजिश है बीजेपी और ओवैसी जी का कि कैसे चुनाव को ध्रुवीकरण किया जाए, मुद्दों से उत्तर प्रदेश का चुनाव भटकेगा नहीं। रच रहे ये साजिश, सवाल तो इसलिए खड़ा होता है ना कि मनोज यादव ये कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ चुनाव को हिंदू और मुसलमान के रूप में देखना चाह रहे हैं, ये ओवैसी जी को भी सूट करता है और बीजेपी को भी सूट करता है। पहली बात ये है कि सूट क्या करता है, किसको क्या करता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ बहुत बड़ी बात ये है कि एक तरफ देखिए कि देश में बात की जाती है कि हमने नया भारत बनाया है, इस नए भारत में गुंडा राज नहीं है, आतंकवाद नहीं है, और वो हमेशा भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, वीएचपी, बजरंग दल, ये हमेशा ये कहते हैं कि देखिए जी आतंकवाद, इस्लामी रेडिकल, हमेशा इनकी जबान से आपने सुना होगा, लेकिन आपने कभी इनकी जबान से हिंदू रेडिकल नहीं सुना होगा। जैसे आपको पता है हरिद्वार में ओपन, सुनिए, हरिद्वार में ओपन मुसलमानों को मारने की, जुनोसाइड करने की बातें हुई,
अवेसी साहब को मारने की बात अवेसी सुनिए ना, अवेसी साहब की एक स्टेटमेंट मुझे ये बता दीजिए जहां उन्होंने बोला हो मुसलमानों से जाइए हथियार उठाइए और किसी कास्ट को किसी रिलीजन को जाके कत्ल कर लीजिए, किसी का जिनोसाइड कीजिए। सर बोली से गोली चलती है, बोली 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 होता है सर, बोली तो यहाँ बहुत कुछ बोली तो बहुत लोग बोलते हैं सर, बोली तो इतनी हो रही है ना कि एक तरफ आप पूरे मजहब को पूरे मुसलमान 30 करोड़ मुसलमानों को टारगेट करते हैं और उनकी जीनोसाइड की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसी मुसलमान के ऊपर एक जो देश का भारत देश का सबसे बड़ा लीडर है अवेसी साहब उसके ऊपर गोली चलाते हैं। फिर बोली और गोली को कैसे शामिल करेंगे, मेरे सुनिए सुनिए, बोली और गोली को शामिल मत कीजिए सर, सुनिए ना, भटकाने के लिए एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। एक मुझे आवाज नहीं, आतंकवाद है ये, जिन्होंने गोली चलाई वो आतंकवाद है क्या? नहीं, जिन्होंने गोली चलाई वो आतंकवाद नहीं आपकी नजर में क्या? आप इसको क्यों आतंकवाद से नहीं कह रहे कि आतंकवाद नहीं है ये, गोली की वजह से गोली चलाई, इसमें क्यों ला रहे हैं आप? आतंकवाद किसको बोलते हैं आप? आतंकवाद वो होता है, दहशतगर्द वो होता है जो दूसरों के दिल में दिलों के ऊपर दहशत पैदा करे। अगर अवेसी जैसा आदमी, अवेसी जैसा बड़ा लीडर मुसलमानों का आज भारत में सेफ नहीं है तो आम मुसलमानों की क्या हालत है ये जानते हैं आप? उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की क्या कंडीशन है ये जानते हैं आप? मनोज यादव देखिए आवाज बात स्पष्ट हो गई ना, इसी पैनल में इसी डिबेट में बात क्लियर हो गई। ओवैसी जैसा मुसलमानों का बड़ा लीडर, ये शब्द किसी में हैसियत है कहने की उत्तर प्रदेश में या देश की राजनीति में? कोई किसी जाति का, कोई किसी धर्म का, कोई किसी संप्रदाय का लीडर नहीं होता, लीडर देशवासियों का होता है। भारत में खुद, अगर कोई मुसलमानों की आवाज पार्लियामेंट से रोड तक उठाता है तो अवेसी साहब है। एक सेकंड, अरे आप ये प्लीज बीच में, मैं मुझसे सवाल पूछा गया आप मत बताओ। जनता और भाजपा के साथ सपा की गठबंधन है आपकी, आपकी अखिलेश की भाभी भाजपा की गोद में बैठी हुई है, वो आपको अच्छा लग रहा है क्या आपको? अच्छा बस बस हो गया आपका ना, आपका हो गया तो मैं अपनी बात रखता हूँ। आप अपनी करिए ना, हमारी रहने दीजिएगा, आप अपने देखिए अगर अरे चुप रहेंगे बीच में, बेवजह मत बोलिए ना, हमारी बात पूरी हो जाए, आप रखिए अपने टाइम पे। मैं एक बात कहता हूँ, पूरी बात क्या करें अगर आप कहेंगे अवेसी साहब भाजपा के हैं, आप कहेंगे अवेसी साहब भाजपा के हैं, भाजपा वाले गोली चला रहे हैं अवेसी साहब के ऊपर और भाजपा वाले कहते हैं वो पाकिस्तानी हैं। मुझे एक बात बताइए, सपा वाले और भाजपा वाले आप दोनों बैठ जाओ और दोनों बैठ के ये सलाह करो कि अवेसी साहब पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, या वह सपा का है या वह भाजपा का है। पहले या हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, अरे हो गया ना आपका, काफी इनसे इनसे प्लीज, मैं अनुरोध करूंगा। देखिए प्लीज एक सुन लीजिए, मैं विनोद जी के पास भी नहीं गया, अभी सुन लीजिए फिर अपनी बात रखिएगा। अगर मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ और अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो प्रशासन से लेके और देश के सारे संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक मास लीडर होते हैं, मास लीडर पे भीड़, गोली चलना एक अलग बात हो गई, भीड़ इतनी ज्यादा जमा हो जाती है कि कोई भी घटना घट सकती है। लोग छू छू के अगर लीडरन को छूना शुरू कर दे तो वो भी सुरक्षा व्यवस्था करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर उनको कोई सुरक्षा दी जा रही है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए प्लीज, आतंकवाद देश में है नहीं। देखिए प्लीज, हम आपकी इस बात का जवाब नहीं, ये योगी आदित्यनाथ से पूछो, आप मुझसे मत पूछो। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती, आतंकवादियों और अपराधियों का कोई कोई स्पेसिफाइड दल नहीं है। अपराधी पता क्या होता है? अपराधी होता है, अपराधी होता है चंद पैसों के लिए, मुझे ऐसे लोगों की बात नहीं करनी। देखिए मैं कह रहा हूँ, मेरी बात अगर तिलक जी नहीं पूरी होगी तो बात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगर सरकार सुरक्षा देना चाह रही है, अगर सरकार जट प्लस सुरक्षा देना चाह रही है, जट सुरक्षा देना चाह रही है, जो भी देना चाह रही, तो मना करने का कौन सा रीजन है? वाई, किसकी प्रॉपर्टी है इस देश का कोई भी लीडर या कोई भी नागरिक, उसकी किसकी जिम्मेदारी? प्रशासन की जिम्मेदारी, देश की सरकारों की जिम्मेदारी है। और अगर वो जिम्मेदारी से कोई राजनीतिक दल का जो सर्वे सर्वा है, जो नेतृत्व करता है, वो अगर अपनी सुरक्षा नहीं लेना चाहता तो इसका मतलब कि घटनाएं और भी घट सकती हैं, इस तरह का स्टंट और भी आगे किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं
एक षड्यंत्र का हिस्सा है, और जब दोनों ये बातें कहना शुरू करें, एक सिक्योरिटी दे दूसरा सिक्योरिटी ना ले, तो ये स्पष्ट हो गया कि चुनाव को पोलराइज करने के लिए किया जा रहा है। समाजवादी पार्टियों गठबंधन किसानों का, नौजवानों का, गरीबों का, मजदूरों का, अल्पसंख्यकों का, जो भी जिनपे शोषण हो रहा है उन सबकी लड़ाई लड़ाई और मुद्दे से भटकेंगे नहीं। विनोद सिंह आपको भी स्टंट लग रहा है, जो मनोज यादव को लग रहा है कि ये स्टंट है, फिर मेरे साथ देवेंद्र प्रमुख साहब भी जुड़ गए हैं। देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो है, अब ये संयोग है भारतीय जनता पार्टी का या एमआईएम का या प्रयोग है, ये तो ये दोनों लोग जानते हैं, लेकिन ये पटखता एक राजनीति के मतलब कच्चा राजनीति में शुरुआत करने वाले किसी कार्यकर्ता से भी पूछेंगे तो कॉमन सेंस के आधार पर ये बता देगा कि दोनों में, दोनों की भाषा, दोनों की बोली, दोनों का व्यवहार, दोनों की राजनीतिक जुमलेबाजी एक जैसी है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की खुशहाली, देश की खुशहाली, महिला सशक्तिकरण, प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज, महिला को उचित सम्मान, आपको यह राजनीतिक स्क्रिप्ट लग रही है जी? क्या आपको नहीं लग रही है? क्या देवेंद्र जी को भी लगती है? वो बोल नहीं सकते हैं, मैं कह रहा हूं किसी को भी लगती है, ये तो जग जाहिर हो चुका है। आप ये बताइए जहां पर अपने उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति है, अगर आप कोई मतभिन्नता रखते हैं तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, ट्विटर पर अपनी राय व्यक्त करने पर अगर सरकार के विरोध में तो एफआईआर हो जाती है, पुलिस पहुंच जाती है। और क्या क्या ये कौन सा प्रयोग है कि ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा है, लगातार एक ही भाषा, एक ही राजनीतिक पिच पर बयानबाजी हो रही है। और इसमें स्थायी जो मूल मुद्दे हैं, जो उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश के देशवासियों की भविष्य को सुनिश्चित करने वाले मुद्दे, उनसे ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो टिकटार्थी हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको जनता में बड़ा उनके प्रति रोष है, तो उस रोष को डाइवर्ट करने के लिए ये नया स्टंट है। ये स्टंट मनोज यादव जी को भी लग रहा है, विनोद सिंह को भी लग रहा है, वो टोपी मेरे ऊपर भी डायरेक्ट कह रहे हैं, आपको भी लग रहा है लेकिन आप बोल नहीं रहे, आपको भी यही लग रहा है? वो भी सवाल तब जब आपके नेता कह रहे हैं कि ये साजिश है, ये साजिश है जो आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू सेना वाले हैं, अगर खुद ये एआईएम ने करवाया होता, ओवैसी साहब ने खुद करवाया होता, तो फिर वो बीजेपी समर्थक क्यों होते? क्यों वो हिंदी सेना सामने आके ये कहते कि भैया हम इनको जो है लीगली रूप से जो भी प्रोटेक्शन चाहिए वो हम देंगे, हम इन्हें अपना हीरो बना देंगे? प्रमुख साहब चल क्या रहा है? देखिए तिलक सर, चुनावी समय है, ज्यादा समय मिल नहीं पा रहा है, फील्ड के भी काम देखने, न्यूज भी बहुत कम देखी जा रही है आज की तारीख में, और मैं यही कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी घटना नहीं, मैं समझता हूं स्टंट है या सच्चाई है। न्यूज कम ही देखिए, सिर्फ हिंदू और मुसलमान चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, उस पर तो हम बात ही नहीं करते, उसके लिए तो समाजवादी जिंदाबाद है, हिंदू मुस्लिम कराने के लिए हमें कहां फुर्सत है, हमें तो अपने कामों से फुर्सत नहीं है। हाँ। ये काम इन लोगों का, अब ये ओवैसी की घटना घटी है प्रदेश में, इस पर भी विचार जो है देखिए क्या है, निकल के आ जाएगा विचार। ओवैसी की घटना से फायदा होगा बीजेपी को? तिलक जी, हमें मैं ये कह रहा हूँ कि हमें नहीं है फुर्सत, हमारे पास तो बहुत जिम्मेदारियां हैं। अब ओवैसी बेचारे कहां से आए, गाँव में कुछ नहीं दिया जा रहा, आपकी जिम्मेदारी है। देखिए मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ आपको, ये जो घटना घटती है इस तरीके की, अब इसमें कितना दम है? अगर भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी कहेगी तो विपक्ष तो यही कहेगा कि भाई इनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, वो किस तरह से हुआ, उन्होंने खुद किया है या किसी ने कराया है, किसको लाभ है, किसको नुकसान है, किसको इसका, ये वो ही मंथन करें आपस में करके क्लियर कर दें। हम तो इस समय चुनाव में बिजी हैं, जनता के बीच में अपने कामों को लेकर, विकास को लेकर, सुशासन को लेकर चर्चा के लिए बैठे। मुझे एक बात बताइए, एक्स वाई जेड कोई भी हो, चाहे वो ओवैसी जी हो, चाहे वो वकार भाई हो, या मनोज भाई हो, या फिर विनोद जी हो, या प्रमुख साहब आप हो, या मैं हूं, कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? कानून व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है तिलक जी, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोलते हैं। किसका राज है, कानून का राज है या फिर वो किसका राज है? देखिए कानून का राज है और बहुत शानदार राज है, स्पष्ट राज है, इसमें कहने की कोई बात नहीं। जो पिछले 60 वर्षों में कानून नहीं आया इस देश में, प्रदेश में, देखने को मिल रहा है, आप इसे कानून का राज कहते हैं? नहीं, इससे अच्छा कब देखा आपने? इससे अच्छा कब देखा तिलक जी?
इससे अच्छा कब देखा? तो आप इसे अच्छा मानते हैं कि ओवैसी की गाड़ी पे शानदार कानून व्यवस्था और कब रही? इसे राम राज्य मानते हैं आप? इसे राम राज्य मानते हैं? कलयुग का राम राज्य है निश्चित, कलयुग काल का राम राज्य आज के समय में चल रहा है। जो कलयुग चल रहा है कलयुग में जिस तरह से इस कानून राज को लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 वर्षों में किया है, पिछले 7 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री ने किया है, ये तिलक जी ये राम राज जी है, यहाँ ना हिंदू ना मुस्लिम, यहाँ कुछ नहीं घटता। ये ओवैसी कराओ या तड़ी किसने चलाई फिर वो गोली किसने चलाई? देखिए गोली जी अभी अभी और हमारे साथी कह रहे हैं हो सकता है स्टंट है, वो हम क्या कह सकते हैं इसमें, जब वही मान रहे हैं जिनका आपका नहीं है। देखिए जिनको लाभ है उनको होगा, हमें कोई लाभ नहीं ओवैसी का, हम तो बात ही नहीं कर रहे ओवैसी की, हमें कहां वोट चाहिए? ओवैसी की वोट का खतरा समाजवादी को होगा, कांग्रेस को होगा, हम तो क्या फर्क पड़ता है उसका, हमारा वोट कहां हो? आप तो लड़ाई ओवैसी वर्सेस योगी चाह रहे हैं कि नहीं? अरे नहीं क्या बात, तिलक जी हमें क्या फायदा उससे, हमारे हमें कहां वोट मिलने वाला, हमारा उस स्टैंड को करने, ये तो समाजवादी की सिरदर्दी है, ये कांग्रेस की सिरदर्दी है, हमारी थोड़ी है। उन्हें सोचना चाहिए कि उनका मुस्लिम बढ़ता है क्या होता है। राम राज्य है, ये राम राज्य है, गोलियां चल रही कह रहे राम राज्य है। निश्चित तौर पे जो बीजेपी के देवेंद्र प्रमुख जी ने बात कही, उन्होंने राम का भी अपमान किया और राम के राज्य का भी अपमान किया। अगर जिस डबल इंजन की सरकार में आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी के द्वारा एक दलित महिला के लिए ये कहा जाता हो कि ये तो महिलाएं मजा लेने के लिए होती हैं, एक उन्नाव की बेटी के साथ रेप करके विधायक उसके पूरे परिवार पे गाड़ियां चढ़ा दे, बाप का कत्ल करा दे अपने भाई से, उसको अगर रामराज कहते हैं तो भैया मुबारक हो इनको ऐसा रामराज। जिस तरह किसान हमारे सिख समुदाय से हो या किसी भी समुदाय के किसान हो, वो अगर एक शांतिपूर्वक धरना देते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं सरकार से, उनपे गाड़ियां चढ़ा के उनको हत्या कर दी जाए दिन दहाड़े, अगर इसको ये रामराज्य कहते हैं कलयुग का, तो इनको ये रामराज्य मुबारक हो। दलित की बेटी आगरा में हो, दलित का भाई हमारा चाहे आगरा का हो, वाल्मीकि समाज का हो, चाहे बुलंदशहर की अभी घटना जो घटी तिलक जी वो, और इस तरीके के हर उत्तर प्रदेश के हर जिले में सैकड़ों दर्जनों घटनाएं घटी जो शायद उत्तर प्रदेश में कभी नहीं घटी। अगर उसको रामराज से कनेक्ट करते हैं तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि इनकी सोच, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, और मैं इनके लिए कोई हवन यज्ञ करने के लिए भी तैयार हूं, चाहे मेरा 10-20 हजार खर्च हो जाए, सद्बुद्धि इनको जरूर मिले, क्योंकि भगवान राम के रामराज की कल्पना आज के बीजेपी की सरकार से करना मेरे ख्याल से अनुचित ही नहीं, ये शायद पाप पूर्ण एक शब्द है जो इस तरह की बात कही जा सकती, क्योंकि शायद रामराज को इनके बारे में जानकारी नहीं कि भगवान राम का जो अयोध्या थी या उनका जो राज्य था वो किस तरह वो गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णित किया है, वो सारी बातें हैं स्पष्ट हैं, तो उस मर्यादा को क्या पालन का बीजेपी कर पा रही है ये भी बताना पड़ेगा इनको। तिलक जी मैं काउंटर करूं जी, मैं ये कहना चाहता हूं मनोज जी को कि इनका जवाब ये है, अगर ये उन्नाव की घटना तो एक बार याद करिए कि इनकी पार्टी के संरक्षक तो माननीय मुलायम सिंह जी नेताजी का एक बयान था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये कोई बड़ी बात बयान देना, एक बयान आना किसी बात को और हत्या करना दोनों अलग अलग बातें हैं। राम अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मैंने सुना आपका, और दूसरा जवाब आपका देता हूं तरीके के और तर्क के साथ। हजारों कार सेवकों पर गोली चलवाकर माननीय मुलायम सिंह जी कहते हैं कि ये मैंने किया है मैंने कराया है। आप जैसे राम के दुश्मनों से लड़ने के लिए, भगवान राम जी के राज्य में राक्षस राज था, रावण का राज था, काला साम्राज्य था, उसको मिटाने के लिए राम जी का राज्य, राज की जरूरत है इस देश को, इस सनातन को बचाने के लिए आप जैसी पार्टियों का राज कहां था? रावण का राज कहां था? वो हिंदुस्तान में था, हिंदुस्तान के बाहर था, राम राज था, और ये राक्षस राज मिट कर ही इस देश को नया कौन राक्षस है? और राम राज को आप भी राक्षस हो, आज भी राक्षसी प्रवृत्ति से आप हो गए। बात हो रही है, अरे 20 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते आप 100 करोड़ लोगों को भूल गए हो, इसलिए रामराज हिंदू मुसलमान पे आ गए, इसलिए भगवान हिंदू मुसलमान पे है, ये हिंदू मुसलमान पे राम हिंदू मुसलमान पे, अरे बस बस हिंदू मुसलमान करो, अरे ना करो, एक्सप्रेस वे अपना बनाया नहीं, अपना एक्सप्रेस वे बनाया नहीं,
अपनी लैपटॉप चलाए नहीं, आपने लैपटॉप बांटे नहीं, तो यही में मुसलमानी तो करोगे? जनता जान चुकी है, एक किताब जो मरा था वो हिंदू था। सुन लो देवेंद्र, लोग बहुत है, ये जो गंगा मचाने वाली तुम्हारी भाषा बहुत हो गई। सुन लो, सुन लो, सुन लो, पहले बात सुन लो, बात सुन लो, बात सुन लो, बात सुन लो, बात सुन लो। देवेंद्र प्रमुख सुनना पड़ेगा, देवेंद्र प्रमुख को सुनना पड़ेगा। तिलक जी वो जो हमारी बहन उन्नाव की थी वो भी हिंदू थी, जो हमारे किसानों पर गोली चली, जो हमारे किसानों पर रौंदा गया वो भी हिंदू थे, जो हमारी हमारी बहन को पेट्रोल मार के जलाया वो भी हिंदू थे, वो सब हिंदू थे। 60 वर्षों में पहली बार किसी ने 80 करोड़ की बात की है। 60 वर्षों में 80 करोड़ लोगों का कोई नाम लेने वाला हुआ है? भगवान राम के अस्तित्व को मिटाने वाले लोग बिल्कुल बिल्कुल तर्क के साथ बोला है, 80 बीस बोल रहा हूँ, तिलक जी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, भाग नहीं रहा। 80 बीस अस्सी वो लोग हैं जो इस देश के भले के लिए, विकसित के लिए, नंबर वन देश को बनाने के लिए वैश्विक महामारी में इस 80 करोड़ से 135 करोड़ लोगों के साथ बाहरी पड़ोसी कमजोर देशों को मदद देने के लिए खड़े हैं, और 20% वो है जो इस विकास का विरोध करते हैं, जो भारत के लोकतंत्र का विरोध करते हैं, जो भारत की शक्ति को नहीं मानते हैं, वो 20 एक तरफ खड़े हैं। प्रमुख साहब, कितने बांग्लादेशियों को बाहर निकाला अब तक आपने? आंकड़ा है आपके? देखिए कितने बांग्लादेश, देखिए तिलक सर, निकालने की बात नहीं, हमने इस बांग्लादेशियों का आना बंद करना, जो बांग्लादेशी दिन पर दिन, जो बांग्लादेशी दिन पर दिन, तिलक जी मेरी बात सुन लीजिए, जो बांग्लादेशी दिन प्रतिदिन घुसपैठ कर रहे थे बंद कर दिए गए हैं, पाकिस्तान के उसके हलक में हाथ डालकर रोक दिया गया, उसकी सीमा में हाथ में भेज दिया, चाइना को उसकी औकात बता दी, ये काम करने का काम किया हमने, बड़ी मजबूती से किया है। मुझे एक बात बताइए, मेरा एक सीधा सा, विनोद जी मैं अगर गलत कहूंगा तो आप टोक देना मुझे, मैं आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई अगर वो 80-20 की बात कर रहे हैं तो आप भी तो 20 और 80 की बात कर रहे हैं। सुनेंगे मेरे से? बात समझाइए, मेरा सवाल ले लीजिए पहले, मैं इसका उसका आधार दे रहा हूं आपको। अगर कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आ गया, कोर्ट ने माना कि भैया अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, कोर्ट के आदेश से बन रहा है, आप कह रहे हैं कि कयामत से लेकर अब तक मैं बोलता रहूंगा कि यहां पर मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, तो आप क्या शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं फिर? आप भी तो वही कर रहे हैं जो वहां से हो रहा है। अगर शांति से कर रही है तो आप भी कर रहे हैं। शांति से सुन लीजिए पहले जी। सर पहले तो मैं बीजेपी से स्टार्ट करूंगा, बड़े कमाल के लोग हैं ये, आपने देखा होगा। सुनिए सुनिए ना, उत्तर प्रदेश में एक सॉन्ग चलता है, सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोलता भाई मेरे, सुनिए। नहीं मैं बोलूंगा, उत्तर प्रदेश में एक सॉन्ग करते हैं बीजेपी का, एक सॉन्ग आपने सुना होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में सॉन्ग सुना होगा बीजेपी का, कि ये बीजेपी का एक सॉन्ग है कि हम राम को लाए हैं। हाँ बिल्कुल, पहले बिल्कुल सुनिए ना, अब सुनिए तो सही, बिल्कुल लाए हैं, करने दीजिए यार बात तो करने दो मेरी, ये कहते थे हमने राम को लाया है, ये पहले ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान को लाया है, हमने सुना था भगवान इंसानों को लाते हैं, ये वो अजूबे इंसान है जिन्होंने भगवान जैसे लोगों ने राम जी पर भी कब्जा कर लिया, राम जी पर भी कब्जा कर लिया 500 वर्ष पहले, राम जी के मंदिर को स्तुत को तोड़कर आप जैसे लोगों ने दबाने की कोशिश की, फिर उनकी कांग्रेस में राम को लाए हैं, हम राम को लाने वाले हैं, राम को लाए हैं, हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, इसी आधार पे चुनाव जाते हैं। बड़े मैंने देखे गोबर आते जाते रहते हैं, चुप कर चले गए, ये जमाना लग गया, गलत फहमी मत रही, आईने में जाके शक्ल देखना, आईना भी शक्ल अपनी देखिए, तुमसे घनी अच्छी शक्ल रखता हूँ, आईने में चेहरा देखना, आईना भी नीचे गिरता हर चीज में अच्छा शक्ल देखने की, जो तुम्हारा बाप हूँ बदतमीजी में, मैं तुम्हारा बाप हूँ, बदतमीज
बकवास मत कर, तेरे बाप का भी बाप हूं मैं, तेरे बदतमीजी मैं तेरे बाप का भी बाप, तेरे दादा का भी दादा हूं। वाह वाह, बहुत अच्छी चीज है, क्या बात वकार जी, ऑडियो नीचे प्लीज, ऑडियो नीचे वकार जी प्लीज, पर्सनल नहीं। वाह वाह वाह, वेरी गुड, ये क्या तमाशा है, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने जो सवाल किया इसको किसने बोला बीच में बोलने के लिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ ना, आपसे मैंने कहा प्लीज, पर्सनल नहीं प्लीज, मुझे बात रखने दीजिए, इसको बोलिए चुप करे वो, मुझे बात रखने दीजिए, पर्सनल नहीं प्लीज, पर्सनल नहीं, आप बात रख, ना मैं पर्सनली बात रखने दीजिए मुझे, मैं अपनी बात रख रहा हूँ ना, आपने मुझे सवाल पूछा 80-20 का, आपने मुझे 80-20 का सवाल पूछा, 80-20 का आपने सवाल पूछा, वो पूछने दीजिए, म्यूट मत कीजिएगा, म्यूट मत कीजिएगा, 80-20 का सवाल पूछा, म्यूट मत करिए पीसीआर, सिर्फ तहजीब से बात रखिएगा प्लीज अपनी, ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, 80-20 की बात कही, तहजीब से बोलिए, और तुझे पता मैं किस धरती से हूँ, मैं कश्मीर से बैठा हूँ तेरे साथ, इस टाइम कश्मीर से प्रमुख साहब, वेरी गुड, बोलिए चुप करे, इसको बोलिए चुप करे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कहाँ से ले आते हो गुंडे मुवालियों को सर, कहाँ से लाते हो, जानते हो मैं 15 साल से नेशनल मीडिया पे डिबेट कर रहा हूँ, 15 साल से, इसके बाप समित पात्रा से मैं रोज बात करता हूँ, इसके बाप समित पात्रा सर कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज वाणी सुन के तबीयत खुश हो गई, वाह क्या वाणी है, गजब की वाणी है, इस देश को ले जाने के लिए गर्त में डालने के लिए, वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मुद्दा है उसी पर रहिए, यहाँ पर मेरी बात आप सुनेंगे तब ना, मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ प्लीज, मैं सिर्फ ये जान रहा हूँ, अरे बच्चा का बच्चा नहीं मार पाए तुम लोग, कश्मीर में बैठा नहीं, प्रमुख साहब प्लीज, वकार साहब ये मुस्कुराने की बात नहीं है, बनावटी हंसी मत हंसे, गलत है, उसकी निंदा हो, मैं 1.5 रुपए का मूल्य बनावटी हंसी मत हंसे, अपनी ओर डर के बात, वैसे साहब से कितना डर गए, गोली मारने लग गए आप लोग, अब प्लीज वकार साहब जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए, आप भी तो 20 और 80 की बात कर रहे हैं, आप भी तो यही कहते हैं कि अयोध्या में मस्जिद थी मस्जिद है कयामत तक बोलूंगा, तो फिर ये तो कोर्ट का आप क्या कर रहे हैं सर, 80 पता किस 80 की बात करते हैं और किस 20 की हम बात करते हैं, तुझे क्या पता, मैं उस 80 की, मैं उस 80 की बात करता हूँ जिसमें वो 80 जो है तो भारत की बात कर रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, गांधीवादी की, अरे तुझे अपनी आजादी का पता कैसे हुए, तुझे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजाद कर दिया, खुद किस्मती समझ, पाकिस्तानी घेरा बैठा था, बोला कहाँ से गोबर को लाया, कहाँ से लाया इस गोबर को, 1947 से जम्मू कश्मीर भारत में था, अरे तेरे जैसे कुत्ते तिलक जी बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आज आपने इस डिबेट में बैठाल के हम लोगों को आप लोगों ने धन्य कर दिया, ऐसी डिबेट में बैठाल के, आप मनोज जी जानते हैं मैं इस तरह की चर्चा नहीं करता, प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज प्रमुख साहब प्लीज, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रमुख साहब प्लीज, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्रमुख साहब ऐसे गद्दारों ने कश्मीर को बहुत पीछे पहुंचा दिया, कश्मीर भारत की कड़ी थी, लेकिन तुम जैसे आतंकवादियों ने कश्मीर को इतने पीछे पहुंचा दिया कि आज उसे दोबारा से आजाद करने की जरूरत पड़ी, वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का काम था, प्रमुख साहब हो गया ना, एक सेकंड मुझे एक बात बताइए वकार साहब, आप लोग यही चाह रहे हैं ना कि चुनाव यहीं पर आकर खत्म हो जाए ताकि बेरोजगारों की आवाज ना उठाई जाए, आप यहाँ मेरी बात कभी नहीं दे रहे हो, आप मुझे बात ही नहीं रखने दे रहे हो, तिलक सर इसने बदतमीजी की थी, इस व्यक्ति को बदतमीजी करना सिखाना मेरे जैसे सनातनी का काम है, और इस पर इसकी औकात बताना और चैनल पर बैठकर बदतमीजी करना और गाली देना इसकी औकात बताना मेरा काम है, अगर ये तुम्हारे चैनल में होता तो इसको स्वयं बताता खड़ा होकर, ये कश्मीरी बनता है, ये कश्मीरी गद्दार है,
ये लोग कश्मीर उठाने वाले गद्दार लोग हैं जिन्होंने 60 वर्षों में कश्मीर को पनपने नहीं दिया, जिन्होंने कश्मीर के नौजवानों को आतंकवादियों के हवाले करकर कश्मीर की आजादी को गुलामी में बदल दिया, ये वो गद्दार है। मैं अभी बिल्लन जी के पास भी नहीं गया, प्लीज वकार साहब मेरा वही सवाल है, और प्लीज पर्सनली अटैक नहीं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप दोनों से, प्लीज। जी जी जी, अच्छा मैं बात कर रहा था 80 और 20 की। आपने मुझसे सवाल किया था कि आप ही तो 80-20 करते हो, मैं उस 80 की बात करता हूँ जो गांधीवादी है, मैं उस 80 की बात करता हूँ जो अंबेडकरवादी है, मैं उस 80 की बात करता हूँ जो मौलाना आजाद की विचारधारा को लेकर चलता है, मैं उस 80 की बात करता हूँ जो भगत सिंह शफाकुल्ला चंद्र बोस की बात करता है, मैं उस 80 की बात करता हूँ। ये उस भाजपा उस 80-20 की बात करती है, ये कहीं ना कहीं अपने वोटर्स के बीच ये दिखाने की कोशिश करती है कि 20% मुसलमान 80% हिंदू एक हो जाओ, 20% मुसलमानों के खिलाफ वोट करती है। अरे कौन सा गलत करती है? अरे तू 20% एक हो सकता है मुस्लिमों का लेकर, तो क्या हिंदू का धर्म नहीं बनता? सनातन की दर्शन करनी है सर, क्यों गलत करती है भाजपा? अरे 20 करने वाला कौन है? तुम ही तो चिल्लाते हो मुसलमान मुसलमान, क्या किया तुमने मुसलमानों के लिए? कौन सी ऐसी कुर्बानी है मुसलमानों के लिए? अरे कौन से तुम शिक्षित होकर कितने मेडिकल कॉलेज, कितनी शिक्षा, कितनी IIT बना दी तुमने कश्मीर में, कितने लोग अरे कितने बच्चे आतंकवादी करके प्लीज एक मिनट मुझे एक बात बता दिए, एक सेकंड प्लीज प्रमुख साहब, एक सेकंड। मैं एक बात वकार की आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। आपकी पार्टी का नाम है AIM, इसकी फुल फॉर्म बताएंगे सर आप मुझे? जी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। आपकी तो पार्टी में ही मुस्लिम है क्या? तू हमारे सनातन पर हाथ उठाते हो, अपने गिरबा में झांकते नहीं? एक मिनट प्लीज मुस्लिम, सुनिए आपको एक चीज की बड़ी गलत फहमी है, खासकर देश के पढ़े लिखे लोगों को थोड़ी सी गलत फहमी है। मुस्लिम होने से मतलब ये नहीं होता कि वो मुस्लिम की जमात होती है, ठीक है? अच्छा आप एक बात बताता हूँ, इस्लाम का मतलब होता है पीस, स्नातक का, अच्छा एक तरफ होता है स्नातक, उसका मतलब भी होता है पीस, तो पीस एक अरबी का लफ्ज में इस्लाम में आपका पार्टी नहीं मुस्लिम है, तो फिर मैं सुनिए ना वही चीज का, तो मुस्लिमीन का मतलब क्या, पहले इसको आपको सीखना पड़ेगा ना सर उर्दू में हिंदी में। अच्छा अच्छा, अब मुस्लिमीन की जो बात करते हैं ना, अब मुस्लिम लीग भी हमें सिखाओगे? अरे मुस्लिम लीग भी हमें सिखाएगा तू, सड़की कुर्बान हमें पढ़ाएगा तू, कभी नमाज हमें पढ़ाएगा तू, मुस्लिमों की बात करने वाले मुस्लिम का धर्म पढ़ाने हमें आया है, उसका मामले कैसे मदद करता है? डिबेट नहीं करता हूँ प्लीज आप, मैं आज पहली बार जो है इस विषय को लेकर मैं इसलिए आया था कि मेरे को यह था कि 3 करोड़ लोग जो बेरोजगार हुए हैं उनकी बात ना होकर क्यों आखिरकार हिंदू मुसलमान हो रहा है? सर मैं एक छोटी सी बात 30 सेकंड में एक बात खत्म करूंगा, सुन लीजिए मेरी बात 30 सेकंड में, 30 सेकंड में सर, 30 सेकंड में मेरी बात सुनिए। मैं आता हूँ जम्मू कश्मीर से, ठीक है सर? जम्मू कश्मीर में उत्तर प्रदेश और बिहार के अगर आप मजदूर तबके में काम देखो, मजदूर तबके में लोग देखोगे तो 6-7 लाख लोग हर साल यहाँ काम करने के लिए कश्मीर वैली में आते हैं, ठीक है? कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश के और बिहार के। क्यों आते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में। तू कैसे रही होगा भाई? उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवानों का काम करने वाला कब से बन गया तू? तुम्हारे कश्मीरी लोग बेचारे हैं, सड़कों पर आकर टेंट लगाकर अपना पेट भर रहे हैं। तुम बिहारी हो तो तुम जो है उत्तर प्रदेश वालों को खाना दोगे, काम दोगे? तुम्हारे लोग तो खाना दे रहे हैं 1990 से, कश्मीर के वो लोग जो तुमने निकाल दिया, प्रमुख साहब का ऑडियो नीचे, प्रमुख साहब प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। विनोद सिंह मुझे एक बात बताइए, क्या वाकई मैच फिक्स है? तिलक जी आपके दर्शकों ने ये जान लिया जो मैंने शुरू में कहा, उसी को प्रमाणित हो गई, ये नूरा कुश्ती का जो खेल है ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी साहब की पार्टी को सूट करता है, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई विजन नहीं है। किस तरीके से सबकी बात करें, 100% की बात करें, विकास में सबकी भागीदारी होना जरूरी है,
तो जिस पिच पे ये चाहती है राजनीति भारतीय जनता पार्टी, उसी पिच पर वो बॉल करते हैं। तो ये देखिए, जब इसीलिए मैंने कहा ये तो कॉमन सेंस के आधार पर कोई मुझे लगता है आठवीं क्लास का बच्चा भी कह सकता है, इसमें कोई ऐसी रिसर्च की और समझदार होने की बात नहीं है। और इस शोर शराबे में, चाहे आपका डिबेट हो, चाहे बाहर की चर्चा हो, चाहे इनकी मंशा हो, ये शोर शराबे में उत्तर प्रदेश की देश की आवाज को दबाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं आपके देश आपके दर्शकों के सहित उत्तर प्रदेश के समस्त वासियों से ये अपील करता हूं, इनके खेल को समझिए। ये गोल पोस्ट चेंज करने का खेल है, ये डाइवर्ट करने का खेल है, ये प्रीफिक्स अपना इनका एक सिस्टम है, इनकी मनोवृत्ति बनी हुई है, उस पर खेल रहे हैं। उसमें जो आम जनता है हमारा, गरीब है, बेरोजगार है, महिला है, उसकी आवाज को दबाने का षड्यंत्र चल रहा है। विनोद सिंह, 30 मिनट में डाइवर्ट हो गया। आप मेरे साथ सैकड़ों डिबेट कर चुके हैं, विनोद सिंह, मनोज जी भी कर चुके हैं, प्रमुख साहब भी कर चुके हैं, वकार भाई मेरे साथ पहली बार जुड़े। मैंने आज तक हिंदू मुसलमान पर डिबेट नहीं की। मैं आपको इस कार्यक्रम को इसलिए लेकर आया, इसके पीछे आपकी वजह बता रहा हूं मैं। 30 मिनट के बाद मैं एक संदेश देना चाह रहा था कि जब 30 मिनट मैं डाइवर्ट हो सकता हूं, तो इस उत्तर प्रदेश की जनता क्यों नहीं हो सकती? बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश की जनता उस मुद्दे को क्यों नहीं भूल सकती जिस मुद्दे का जिक्र प्रमुख साहब, वकार भाई मैं करने जा रहा हूं, करूं, इजाजत है आप दोनों की? और मैं चाहूंगा, ओके, जी जी करिए, 80 और 20 की नहीं, अब मैं 100 की बात करने जा रहा हूं, 100 की। प्रमुख साहब, केंद्र सरकार में 8,72,243 पद खाली पड़े हैं मार्च 2020 से। क्या यह मुद्दा होना चाहिए या फिर 80 और 20 का, 100 की बात क्यों नहीं करते आप? प्रमुख साहब देखिए, तिलक जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गिनती नहीं आती, 100 तक गिनती नहीं आती, हिंदू मुस्लिम तक इनको आती है। एक मिनट, अब ये बदतमीजी करेंगे लोग तो इनको मैं जवाब फिर प्यार में कैसे दूंगा? आप बताइए तिलक जी, बताइए ना मेरे बारे में। प्रमुख साहब प्लीज, एक सेकंड, आप जानते हैं ना मुझे, मैं कभी बदतमीजी नहीं करता, लेकिन किसी का सहन नहीं करता। मैं ऐसा पहला प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कि मकार जैसे खालिस्तानियों का सर पर नहीं बैठाऊंगा। मैं जानता हूँ इनकी औकात, 80-20 का जवाब देने के लिए तैयार हूँ तिलक जी, इन्हें कह अपनी औकात पर सुने। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश के भीतर क्या वैसी मुद्दा होना चाहिए या फिर 8,72,243 पद जो खाली पड़े हैं मार्च 2020 से, दो लाख 72,000 की बात की ना आपने, बहुत शानदार क्वेश्चन है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उसका कारण 80 और 20 और 100 की बात की, वो डिबेट छोड़ के भाग गए जब मैंने सिर्फ 100 की बात की। तो ये है प्लान मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं कि आप लोग क्यों आखिरकार इसे बांट रहे हैं, क्यों नैरेटिव सेट कर रहे हैं? नैरेटिव सेट करिए ना युवाओं के लिए कि जहां पर मैंने जिक्र किया 8,72,243 पद खाली पड़े हैं मार्च 2020 से, यह मुद्दा होना चाहिए कि नहीं? बोलिए आप मेरा जवाब सुन लीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन आपने किया और मुझे डेट क्लियर किया, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। पूरी दुनिया ने, पूरी विकसित कंट्रियों ने यह माना है कि 2019 से और आज 22 तक जिस तरह से हमने मौत और जिंदगी को कोविड काल में जिया है, हो सकता है कि उसमें हम पछड़े हों, लेकिन कारण है तिलक जी, इसमें पूरी दुनिया हली है, नौकरियों पर विचार नहीं हुआ, पहले जान बचाने का काम किया, हमने 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है जो इस कहीं महामारी में इस नौकरियों से कहीं ज्यादा था। हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री 2 वर्षों से उनको खाद्यान्न और दवाई देने का काम किया है। हो सकता है हम नौकरियों में पिछड़े हो, लेकिन कई चीजों में, कई मुकाबले हमने जीते भी हैं, हमने जीते भी हैं। जब कोरोना के बीच में देश के प्रधानमंत्री की रैली हो सकती है, तो इनकी परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती? नहीं, क्यों? अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, एक चीज और क्लियर करता हूँ। क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं क्यों सवाल उठा रहा हूँ, मैं क्यों ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब 2,42,00,000
दो इम्तिहान के लिए 2,42,00,000 आवेदन आते हैं और वैकेंसी कितनी होती है 1,35,000, यानी कि 2,42,00,000 लोग आवेदन करते हैं सिर्फ 1,35,000 वैकेंसी के लिए। यह हमारी उपलब्धि है कि हम 3-3 साल तक जो है परीक्षा नहीं करवा पाते, वो 3 साल जवानी के खराब गए, फिर भी हम लड़ेंगे हिंदू और मुसलमान पर, फिर भी हम बात करेंगे ओवैसी और योगी की। क्यों क्यों हम 20 की बात कर रहे हैं, क्यों 100 की बात नहीं कर रहे मेरे भाई? तिलक जी, हम लोग 100 की बात करने वाले हैं, लेकिन हमारे 80-20 का मतलब, जब तुम वकार जैसे अशिक्षित लोगों को बैठा कर उसे सीधा किसी के उस पर स्वाभिमान पर अटैक कराओगे तो जवाब नहीं दे पाएगा वो व्यक्ति। पहले उसकी उसकी औकात बतानी जरूरी होती है, क्योंकि ये बिगड़े हुए लोग हैं, ये बिगड़े हुए लोग हैं और काफी समय से बिगड़े हुए हैं। मैं एक चीज और क्लियर कहता हूं, मैं एक चीज क्लियर करता हूं कि आप जिस तरीके का मुझसे क्वेश्चन उठा रहे हैं, 3 वर्षों का जवाब मैं देना चाहता हूं कि ये जो 3 वर्ष गए हैं इनने पूरी दुनिया का नक्शा पलट दिया तिलक जी, और ये वैश्विक महामारी आपको भी तारीफ कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। इस महामारी में जिस तरह से भारत ने और भारत की सरकार ने और दुनिया के नंबर वन नेता ने इस लड़ाई को लड़ा है, वो कहीं ना कहीं उनकी परीक्षा भी हुई है, आप इसे भी नहीं नकार सकते। हो सकता है प्रमुख साहब, उत्तर प्रदेश में पुलिस की टेलीफोन मैसेंजर के पद की 42 पद के लिए वैकेंसी निकली 62, और उसके लिए 1,00,000 लोगों ने आवेदन किया, उससे ज्यादा। और उसमें हैरानी की बात यह है, मैं देख रहा था कि 35,000 पीएचडी, समझिएगा इस बात को, 35,000 पीएचडी किए हुए जो कि सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन मैसेंजर के लिए पद के लिए अपने लिए आवेदन दे रहे हैं, उसमें से 35,000 पीएचडी, और उसमें से भी सैकड़ों लड़के ग्रेजुएट। आपने किनको वैकेंसी दी है सर? वो 4,00,000 जिनकी आप बात करते हैं, 4,50,000, उनमें से फिर ये कौन है? मैं देख रहा था 2018 मंडी परिषद भर्ती, दिसंबर 2018, 90 दिनों में भर्ती होनी थी, 90 दिनों में भर्ती होने का आपने दावा किया था। मैं 2018 मंडी परिषद की बात कर रहा हूं, दिसंबर की, 1,124 दिन हो गए, आज 1,126 दिन हो गए, आज तक वीडियो की परीक्षा की तरह इनकी भी जांच बिठा दी गई, परीक्षा नहीं है, फिर भी मुद्दा हिंदू और मुसलमान, क्यों आखिरकार? ये तिलक सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग देख रहे हैं, उनको समझना भी चाहिए, मैं इसका जवाब दूंगा। ये जो आपने आंकलन निकाला है ना, इस आंकलन को आप 5 सरकार में, पहली बात तो जो 5 वर्ष सरकार के पूरे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, इसमें 3 वर्ष तो कोविड में पूरी तरह जा चुके हैं, 2 वर्ष के कार्यकाल में 60 वर्षों का आप रिकॉर्ड लेकर बैठे हैं, ये आज कोई नई चीज नहीं आई है कि आपने ये 2 ही वर्ष में लाखों लोग आवेदन करते हैं, या ये 2 साल के कार्यकाल में सारा कुछ हुआ है? मैं भी ना पूछूं, पूछिए आप, पूछिए आप, मैं जवाब दे रहा हूँ, बस मेरा जवाब दुनिया, मैं जवाब दे रहा हूँ, नहीं करूंगा 80-20 की बात, और करते हैं ना मेरे भाई, वो करते हैं 80-20, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, ये मुद्दा क्यों नहीं है, क्यों क्यों ये मुद्दा क्यों नहीं है? मनोज यादव जी देखिए तिलक जी, अभी इस पैनल में ये बात आई देवेंद्र प्रमुख द्वारा, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल हाँ, अभी देवेंद्र प्रमुख जी ने कहा कि देश में कोरोना की महामारी को इनकी सरकार ने रोका और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने रोका। मैं आपको चौंकाने वाले तथ्य बता रहा हूँ, अभी जो अंतिम प्रकाशन वोटर लिस्ट का हुआ है उसमें 21,40,000 वोट काटे गए, ये मेरे पास डेटा है चुनाव आयोग का, 21,40,000 वोट काटे गए 1 साल के भीतर, ये जो कोरोना काल का है। सरकार कहती है 28,000 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई, और 21,40,000 जो वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं उनका डेटा नहीं चुनाव आयोग ने पीछे वाले पन्ने में दिया कि ये नाम क्यों कटे हैं, नहीं बताया चुनाव आयोग ने। हमने पत्र लिखा, पार्टी ने पत्र लिखा कि हर बार जब वोटर लिस्ट से नाम काटा जाता है तो इनका वोट ट्रांसफर हो गया दूसरे स्टेट में, या ये खत्म हो गए, या
कोई और रीजन है, फर्जी वोट था या इनका डबल वोट था, सारा रीजन देती है चुनाव आयोग और वो पीछे पन्ना देता है कि इतने वोट जुड़े इतने वोट कटे। 80,40,000 से की संख्या छोटी संख्या होती है, आप कल्पना करके देखो। अगर परिवार रजिस्टर और जो मृतक सर्टिफिकेट बनता है उनके डेटे अगर सरकार उजागर कर दे तो कोरोना में उत्तर प्रदेश में मरने वालों की संख्या 21 लाख से भी ज्यादा के ऊपर की होगी। सरकार ने सिर्फ भ्रमित किया है, दिन में आंखों में मिर्ची डाला है, मिर्ची का पाउडर डाला है और जनता को गुमराह किया है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को पता है गंगा में लाशें पट गई, गंगा के घाटों पे एक सेकेंड गंगा के किनारे, चाहे वो इलाहाबाद हो, बनारस हो, मिर्जापुर हो, भदोही हो, कानपुर हो, उन्नाव हो, कन्नौज हो, गंगा के किनारे लाशें पट गई, गंगा में लाशें बह गई, शमशान घाटों में, कब्रिस्तानों में लाशों का मार लगा था। ये कौन नहीं जानता है? बेरोजगारी मुद्दा ये कब तक चलेगा? नहीं, ये बेरोजगारी जो हुई है, नहीं 80-20 का तो मार्जिन होगा जीतने का। हाँ विनोद जी बोले, ऐसा नहीं है, आपके नेता भी विनोद जी यहाँ पे संत नहीं बैठे हुए, हिंदू गर्दी की बात कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं। देखिए वीडियो तो वायरल कर रहे हैं, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी इन सारी चीजों को डिनाई करती है और जिस नेता ने इस तरह की बात की है उनके बयान भी, उनके बयान का खंडन करती। समाजवादी पार्टी इस तरह का नेतृत्व इजाजत नहीं देता, नहीं है, समाजवादी पार्टी इजाजत नहीं देता। हमारे मुख्यमंत्री इस तरह की सांप्रदायिक भाषा का प्रयोग नहीं करते, तमंचावादी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। मैंने बहुत पेशेंस होकर सुना, नहीं हम नहीं करते, हम नहीं करते, हम किसी की गर्मी और सर्दी नहीं डीली करते। हमको एक्सप्रेस वे बनाना आता है, लैपटॉप बांटना आता है, विनोद जी हमें मालूम है ये सारी चीजें। एक और आंकड़ा दूंगा मनोज, विनोद जी जल्दी बात प्लीज। जी देखिए सवाल है, उत्तर प्रदेश की जनता को अपने विवेक का परिचय देते हुए ये बेकार सनसनी वाली आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, उत्तर प्रदेश के पिछड़े की राजनीति करने वाली, जाति विशेष धर्म विशेष की बात करने वाली बात नहीं चाहिए। महिला सशक्तिकरण, महिला की भागीदारी, महिलाओं के साथ जो दुराचार अत्याचार की अनदेखी उत्तर प्रदेश में हो रही है, देश में हो रही है, जिस प्रकार की गंदी राजनीति, निम्न स्तरीय राजनीति होती जा रही, उस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने महिला को आगे रखते हुए महिला सम्मान के साथ एक एक बात की है और हमें लगता है उत्तर प्रदेश की विवेकशील जनता इस महिला के सम्मान के साथ, महिला के स्वाभिमान के साथ, महिला के सशक्तिकरण के साथ जाएगी, अपनी मोहर लगाने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी की जो अनैतिक असंवैधानिक आचरण है, कृत्य है, बोली है, भाषा है, उसका जवाब देने का काम करेगी और आर पार की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ेगा। मतलब आपको लग रहा है कि सपा जीतने वाली है? मैं तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, मैंने सारे नारे लगा कि आपको लग रहा है चुनाव में सभी लोग हैं, सब अपनी बात कहते हैं, उनका अधिकार है, लेकिन मैंने कहा है उत्तर प्रदेश की विवेकशील जनता को ये तय करना है, ये शोर शराबे की राजनीति करेगी, जाति धर्म की राजनीति करेगी, कि सर्वांगीण विकास की बात करते हुए कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी। प्रमुख साहब मैं एक और आंकड़ा देख रहा था जिसने मुझे हैरान किया, मैं देखता हूं जब बड़ा अफसोस होता है कि वो कहता है कि मैं हिंदू, वो कहता है मैं मुसलमान, वो कहता है कि मैं दलित, बड़ा अफसोस होता है मुझे कि क्यों हम इस तरह से देश बेरोजगार तो बेरोजगार है। सुनिए मेरी 30 सेकंड तिलक जी, आंकड़ा देने से पहले सिर्फ ये भी कहिए कि वो 60 वर्षों से चला हुआ आंकड़ा है या एक वर्ष का है या नया कानून है या पिछली सरकारों की बढ़ी हुई जितनी भी गंदे और गंदगी जिसको साफ करने का काम किया उसका आकलन है, क्योंकि जनता बहुत देखती है, भ्रमित ना हो। भ्रमित नहीं, मैं सिर्फ जो मौजूदा आंकड़ा है मैं उसी का बात कर रहा हूँ। उस आंकड़े की सच्चाई अगर गलत है तो आप बोलिए कि तिलक चावला तुम आंकड़ा गलत बोल रहे हो। मैं आप ही की जो रिपोर्ट्स होती है मैं उन्हीं के आधार पर सवाल उठाता हूं। देश में 3 करोड़ 3 लाख युवा बेरोजगार, देश में 3 करोड़ 3 लाख युवा बेरोजगार, जो लॉकडाउन, अभी सुनिए ना सर, मैं उसका पूरा आंकड़ा दे देता हूं, लॉकडाउन के दौरान से भी ज्यादा है, जब लॉकडाउन का हम जिक्र कर रहे थे, और बेबसी इतनी है कि जो 1 करोड़ 24 लाख जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया, इनको अगर मैं जोड़ दूं प्रमुख साहब
इनको मैं जोड़ दूं जो युवा बेरोजगार जिन्होंने काम ढूंढना, काम की तलाश करना ही बंद कर दिया, इनकी संख्या हो जाती है 4,27,00,000। कुल बेरोजगारी में 95% जिनकी उम्र है 29 साल से भी कम, 29 साल से। मैं गलत बोल रहा हूं प्रमुख साहब, फिर भी हमारे देश में यही मुद्दा 80 और 20। गलत बोले मैंने आंकड़े? तिलक जी, आपके आंकड़े का मैं खंडन भी नहीं करना चाहता और इसकी सत्यता को भी मैं चाहता हूं कि ये लोगों के सामने आए। पहली बात तो आप इस देश का अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो वो देखिए कि जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक का ये रिकॉर्ड है कि कितना आंकलन किस किस सरकारों में जुड़ता चला रहा है। और जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, एक प्रयास हुआ है, हर चीज को सुधारने की कोशिश की गई है, लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश की ये बदकिस्मती रही कि हमारे कीमती 3 वर्ष उस कोविड काल में निकल गए जिससे अच्छे अच्छे कंट्रियों की देश की रीढ़ जो है टूटी है। 10 करोड़ नौकरी फिर भी मिल जानी चाहिए थी, अगर 3 साल भी निकाल दूं तो 10 करोड़ नौकरी तब भी मिल जानी चाहिए थी। फिर ये 3 करोड़ 3 लाख बेरोजगार कौन है सर? ये भी तो देखिए बेरोजगारी, हाँ बेरोजगारी एक समस्या है, इसे निजात कर लिया जाएगा। बेरोजगारी की तलाश करी जा रही है, बेरोजगार आज भी बेरोजगार है, कल भी बेरोजगार का। मैं आपको मैं आंकड़े दुरुस्त कर दूं, आपने जो आंकड़ा दिया वो आपका आंकड़ा है। मौजूदा परिस्थिति में भारत में श्रम शक्ति जो करने वाले लोग हैं वो 60% श्रमहीन हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं, 60%, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। और 5.3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं जिन पे कोई रोजगार नहीं। चैनल पर आंकड़े तैयार हो रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकार के आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकार जो हर साल तय करती है उसके आंकड़े हैं। और सुनिए, एक लाइन बोलूंगा। अगर लोकसभा में कोई नेता ये बात कहता है कि 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, तो लोकसभा में कोई झूठ नहीं बोल सकता, लोकसभा में कोई झूठ नहीं बोलता है तिलक जी। ओके ओके ओके, आप सबने अपनी बात को रखा, लेकिन विषय यही है कि आखिरकार बांट कौन रहा है और क्यों बांट रहा है, और बांटने से आखिरकार किसका भला हो? क्या बांटने के आधार पर ही वोट बटेगा? और वोट बटेगा तो हार और जीत सांप्रदायिकता के आधार पर होगी या फिर मुद्दों के आधार पर? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।